हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाई हूँ मैं इसमें, और इसमें मैं दूंगी आपको बीच बीच में कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। और एक एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि आपको सारी चीज़ आज ही क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टू टेंथ तो आपको पता ही है 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और ये आप इजीली अटेम्प्ट कर लेते हो। हर बच्चा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है, ठीक है ना। और इसके बाद के एमसीक्यू होते हैं, और इतना गैस आप लगा ही पाते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आपने 10 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए, और उसके साथ साथ आपने 1-2-3 मार्क्स की भी अटेम्प्ट कर लिए, फिर 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का मैं बताऊँगी कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। बिल्कुल वरीड होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस आउट हो जाओ। आज की वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आप पेपर को ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, इसमें से देखिए आपको एक 22 क्वेश्चन देखिए, माध्य निकालना, ठीक है ना। तो ये आपको सीखना है। उसके साथ साथ आपको एक 27 क्वेश्चन देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेट। अच्छा, इसके साथ साथ आपको मैं बता दूँ 26 में एक और है, तालिका को कंप्लीट करना, तो ये भी आपको सीखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो हमेशा पूछे जाते हैं, और आपको इनको कुछ नहीं करना होता, वहाँ पे सॉल्व कर देना होता है, ठीक है ना। तो आपको ये करना सीखना है, मार्जिनल और एवरेज वेरिएबल्स क्या है, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है ये आपको पता होना चाहिए, कैसे परिकलन करोगे, तो इसका निकालना आपको आना चाहिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका एक और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो है आपका सूचकांक के रिलेटेड। वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इंडेक्स जिसे हम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो 30 नंबर पे आया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। बाकी इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हैं, जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप उसको देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका हो जाएगा ईजीली। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, आगे स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो उनको मिलती रहे। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर जाएंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं आपके, ठीक है। और ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपको दिखा चुकी हूँ, आप देख रहे हैं स्क्रीन में। और आपके ना कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, या जो अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन सी समस्याएँ हैं, चुनौतियाँ हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय गवाए। तो ये है फ्रेंड्स आपका अनाइस का क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका कोड है 318, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एग्जाम पर्पज से बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे निकाले हैं, और इनको आपको पढ़ के ज़रूर जाना है, क्योंकि आपको मैंने अभी पेपर दिखाया, अगर आपने जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया वो अटैम्प्ट कर लिया, साथ ही साथ इनमें से आपने एक आध क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, ठीक है। और ये मैं सोचना कि आपने ये 10 क्वेश्चन को मतलब देखा, और आपने ऊपर ही ऊपर से पढ़ा, और आप वहाँ पर बोल रहे हैं कि मैम इनमें से तो आए नहीं। अगर ये 10 क्वेश्चन में से ही फ्रेंड्स छोटे छोटे क्वेश्चन भी निकल के आते हैं, तो हमें समझ के चलना है, मतलब इन्हीं क्वेश्चनों में आपके कई सारे टॉपिक्स भी क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, है ना, या इसका मीनिंग आप क्या देना चाहते हो, क्या मतलब आप इससे समझते हो, ठीक है। तो माइक्रो क्या होता है फ्रेंड्स, माइक्रो नाम से पता चल रहा है छोटा, सूक्ष्म रूप जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब इस अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति, समूह या किसी कंपनी से रिलेटेड होता है, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। अगर हम मैक्रो की बात करें, इसमें क्या होता है, मतलब समग्र रूप से, मतलब आप डीपली, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, किसी मतलब पूरा फोकस आपका कहाँ पे है, नेशन पे, मतलब आपके मतलब राष्ट्र पे, ठीक है, आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हो यहाँ पे, और साथ ही साथ आप विश्व अर्थव्यवस्था को मतलब इसमें आप जानते हो कि क्या क्या प्रभावित करते हैं, समझ में आ गया।
बहुत इजी है लैंग्वेज। अब देखिए अगर एग्जांपल आपसे पूछे जाएं तो अगर आप इम्प्लॉयमेंट की बात, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी की बात करें, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, ये कहाँ आते हैं? जीडीपी किस किस से रिलेटेड होता है? राष्ट्र से रिलेटेड, तो ये मैक्रो हो गए। अब छोटे छोटे अगर क्वेश्चन देखें, सेविंग से रिलेटेड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, इंडिविजुअल से इनकम से रिलेटेड। इंडिविजुअल इनकम क्या? आपकी पर्सनल इनकम किस से रिलेटेड? एक व्यक्ति से रिलेटेड है, तो ये हो गए आपके माइक्रो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन्स एनी टू फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के दो फंक्शन बताने हैं। हर बैंक का फंक्शन आपको बताइए क्या होता है? आपकी सारी सेविंग्स को अच्छे से रखना, सुरक्षित रखना। आप इसीलिए बैंक्स में अकाउंट खुलवाते हो ताकि आपकी सेविंग जो भी है वो सुरक्षित रहे, ज़रूरत पड़ने पर आप वहाँ से निकाल सकें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बैंक से लोन लेके हेल्प ले सकते हैं फाइनेंशियली, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। यही काम फ्रेंड्स सेंट्रल बैंक का होता है, लेकिन यहाँ पर इन किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यहाँ पर पूरे देश के लिए होता है। तो ये क्या करता है? पूरे गवर्नमेंट का मतलब अकाउंट को मेंटेन करता है, कैश बैलेंस को मेंटेन रखता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर उनको आवश्यकता होती है सरकार को किसी काम के लिए, तो सरकार को ये मतलब देता भी है, एडवांस भी देता है, ठीक है। और जो सरकार की प्रतिभूतियां होती हैं उनकी बिक्री की जिम्मेदारी भी लेता है ना। आपने देखा होगा ना कि जब भी कोई नीलामी होती है, ठीक है ना, ऑक्शन लगाया जाता है, तो उसकी ज़्यादा सारी जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की होती है। साथ ही साथ जो आपका गवर्नमेंट क्या करता है, जो आपका पब्लिक डेप्थ होता है ना, मतलब इसे हम सार्वजनिक ऋण कहते हैं, उसका भी प्रबंध करता है। और सरकार को वित्तीय रिलेटेड फाइनेंशियली एडवाइस भी यही बैंक देता है, क्योंकि गवर्नमेंट ना आपके SBI या PNB में नहीं जाएगी, उसका भी एक पर्टिकुलर बैंक है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बहुत ईजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया था इंडेक्स नंबर, जो आपसे पूछा भी गया था, ठीक है ना। तो इसका बनाने को भी इसका सॉल्यूशन एक क्वेश्चन करने को भी आता है। और इंडेक्स नंबर फ्रेंड्स क्या है, इसका यूज़ क्या है, कितने टाइप्स के हैं, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है? हेल्पफुल होता है क्या मेज़र करने में? परचेजिंग पावर, मतलब आप कितना खरीद सकते हो। तो जितना आप खरीद सकते हो उसी से आपकी वैल्यू ऑफ मनी का पता चलता है। एग्जाम्पल, आज दिवाली है, दिवाली में जो ज़्यादा पटाखे खरीद, ऐसे हमें मिल नहीं रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना। जो ज़्यादा पटाखे खरीदेगा तो आप कहोगे यार इस पे ज़्यादा पैसा है, ये ज़्यादा अमीर है, ठीक है। नहीं खरीद पा रहा तो आप इसकी वैल्यू ऑफ मनी लगा दोगे, इसके पास कुछ नहीं है। तो ये हेल्प करता है हमें समझने में। दूसरा क्या होता है, एक लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब जिस पे ज़्यादा पैसा है उतना ही आयात और निर्यात, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर पाओगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में यही आता है, कितना माल आपने खरीदा, कितना बेचा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें, इसके साथ साथ एक्टिविटी के साथ साथ इसमें प्रोडक्शन, कितना माल आप बना रहे हो। भाई पैसा ज़्यादा है, कच्चा माल आपके पास अवेलेबल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा माल बना पाओगे। पॉपुलेशन, ये भी ज़्यादा फ़र्क करती है, पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, ये नंबर्स हमें हेल्प करते हैं इवेल्यूएट करने इकोनॉमिक पॉलिसी, यहाँ तक कि आर्थिक नीति को भी हमें मतलब मूल्यांकन करने में हेल्प करते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं ये जानने में कि हमारी जो पॉलिसी है वो कितना मतलब निर्यात कर रही है, और निर्यात पर निर्यात नीति के प्रभाव को जानने मत करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, मैं आपको बता ही चुकी, समझ आ ही गया होगा इतने उपयोग समझने के बाद। तो सिंपल सी बात है, एक मेथड है जिसे इवैल्यूएट करते हो आप जिससे क्या इवैल्यूएट करते हो, वेरिएबल्स इन अ वेरिएबल ऑफ ग्रुप, मतलब एक चर या चर के समूह में डिफरेंस, ठीक है ना। और डिफरेंस किस चीज़ का हो सकता है, जियोग्राफिकली लोकेशन का हो सकता है, टाइम का हो सकता है, और अदर फीचर्स सारे इंक्लूड हैं इसमें। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस करना सीखते हो, ठीक है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, इसकी जो बेस वैल्यू होती है इंडेक्स नंबर की, ऑलवेज यूजुअली क्या रहती है, 100। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे देखें यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, और ये इंडिकेट्स क्या करते हैं, प्राइस डेटा लेवल ऑफ प्रोडक्शन और मोर, कितने प्राइस का प्रोडक्शन हुआ है, कितना डेटा है और कितना लेवल है उसका। तो इतना आपको याद रखना है, बाकी आप इसको भी पढ़ लीजिएगा जो आगे का है। अब इसके टाइप्स आपसे पूछे हैं, तो दो टाइप्स होते हैं, प्राइस और एक क्वांटिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्राइस आपको पता है, नाम से पता चल रहा है, प्राइस मीन्स प्राइस के बारे में मूल्यांकन करना, ठीक है, जो पैसे से रिलेटेड आता है। और क्वांटिटी, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना, कितना माल प्रोडक्ट किया जा रहा है, कितना खरीदा जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। देखो इस टाइप के मतलब डिफरेंस करना आपको हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने आप दोनों बताए हैं।
और भी इम्पॉर्टेंट हैं, अगर मुझे पता चलते हैं मैं आपको एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो और अपलोड कर दूँगी, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स तबीयत ठीक नहीं है इसलिए गला कुछ ऐसा है, आवाज़ आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। पूरी हिम्मत नहीं थी पर फिर भी कुछ बच्चों के लिए ये है जो काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़े थे या बोल रहे थे मैम प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे थे, और मैं उन बच्चों को बहुत पसंद भी करती हूँ और वो मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उन्होंने अप्रैल में भी पढ़ाई की थी और ठीक है, और एक आध पेपर उनका शायद से रह गया और इस वक्त भी वो पढ़ाई कर रहे हैं मेरे चैनल से, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी प्राउड की बात है कि वो मेरे चैनल से पढ़ाई करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है आपका, मैं आपको बता दूँ कैपिटल शिफ्ट क्या होती है। फ्रेंड्स इसमें ना आर इनकम जनरेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, अगर आपसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एक बिजनेस की पूछा जाए तो वो कैपिटल में आती है, और अगर आपसे मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस पूछा जाए, ठीक है, जनरेट कर रहे हो इनकम, ठीक है, इनकम जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो ये आपका आ जाता है रेवेन्यू में, ठीक है। या इन शॉर्ट में आपको मैं बताऊँ तो ये होता है पूंजीगत जो होती है, ठीक है ना। तो पूंजीगत में क्या आ जाता है फ्रेंड्स, ये आपकी वित्त पोषण और जो आपकी निवेश है उसकी जो गतिविधियां हैं उनसे प्राप्त आय होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है राजस्व वाला, तो राजस्व में क्या आ जाता है जो आपकी मतलब परिचालन, मतलब यहाँ पे है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो परिचालन गतिविधियों से जो आय प्राप्त होती है, यहाँ पे मतलब आप पैसा प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। अब आपको पता ही होगा पैसा प्राप्त करने के आपके क्या क्या तरीके होते हैं, जिसमें देखो आ गया कैपिटल रिसिप्ट में आ जाता है, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई संपत्ति आपने बेची, ठीक है, लोन लिया टेकन, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपने दिया कहीं पे, ये सब। और दूसरी तरफ एग्जांपल आ जाते हैं प्रॉफिट, आपने मतलब जो बेची उसमें आपको प्रॉफिट कितना बचा, इंटरेस्ट जो आपने रिसीव किया था उसमें मतलब सॉरी लोन दिया था उसमें इंटरेस्ट कितना रिसीव किया, तो क्लियर हो रहा होगा आपको। सेल्स ऑफ गुड्स और रॉयल्टी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है आपका टैक्स के बारे में, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मैं आपको यही समझा देती हूँ। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, इसमें आपका डायरेक्ट होता है कनेक्शन गवर्नमेंट से, जो टैक्स आप सीधा गवर्नमेंट को देते हो, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सीधा जो गवर्नमेंट के खाते में जाता है। इनडायरेक्टली होता है तो जाता तो गवर्नमेंट के है, लेकिन आप उसके बीच में जो मीडिएटर है उसको देते हो, जैसे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, ये सब। टैक्स कलेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और इनडायरेक्ट को लेना बहुत ईजी। देखो डायरेक्ट आपने देखो ना गवर्नमेंट से लोग आप चोरी कर जाते हैं कई लोग, ठीक है, मतलब काला धन ब्लैक मनी होती है उसको वाइट में कन्वर्ट कर देते हैं और CAVA को पैसे दे देते हैं और उनका ऑलरेडी टैक्स कम करके आगे दे दिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट तक उतना पैसा नहीं जा पाता जितना कि उसको देना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट में आपको उतना देना ही पड़ता है। आप गोल्ड खरीदने जाते हो ये टैक्स लगाता है, ये टैक्स लगाता है, आप सारा देते हो, ठीक है। हालांकि आपसे GST लिया जाता है, GST जाएगा कहाँ पे जाएगा, वहीं गवर्नमेंट पे, लेकिन इनडायरेक्ट बेस में जा रहा है, क्लियर है। तो ये पढ़ लेना हिंदी वाले बच्चे भी, ये सबसे अच्छी बात यही है कि मैंने दोनों लैंग्वेज में ये प्रोवाइड किया है, तो इसलिए किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आई होप, हिंदी और इंग्लिश के दोनों के बच्चे इसको अच्छे से देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। देखिए समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, आप क्या करोगे अगर इसको रट के चले जाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं, अगर समझ के जाओगे ना तो कोई अदर क्वेश्चन भी आएगा ना इकोनॉमिक्स में, आप उसको भी दिमाग लगाओगे, अटैम्प्ट कर पाओगे, आपके दिमाग में बातें घुसेंगी, आपके दिमाग में बातें आएंगी कि हाँ हमने ये सुना था, मैम ने ऐसे ऐसे समझाया था, ठीक है। देखिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हर राष्ट्र की अर्थशास्त्र के अंदर कुछ समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा बेरोजगारी, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, और इलिटरेसी मतलब अशिक्षा, ये सारी प्रॉब्लम है फ्रेंड, इनकी वजह से ही देश की जो उन्नति है उतनी नहीं हो पा रही है, तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ वीडियो को बहुत पावर मतलब स्किप करके मत देखिएगा, बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाली हूँ आपको, तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। फिर आ जाता है फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट एंड इस क्या दिखाता है ये, इसके क्या कारण हैं, और इस मतलब कि फॉर्मूला इसको निकालने का, और देयर आर सो मैनी फार्मूलाज, लेकिन आपको कोई एक दो आपको पढ़ के जाना है जो आपको ईजी लगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हिंदी में से राजकोषीय घाटा कहते हैं, और ये होता है कि किसी गवर्नमेंट की आय में ना जो वो कर रही है उसमें उसका खर्च वो कंपेयर करना, मतलब कितना आप कमा रहे हो और कितना वो उसमें से खर्च किया जा रहा है, तो इसका इससे पता चलता है। अब आप इससे क्या होगा, आप परसेंटेज देखते हो, GDP निकालते हो, GDP किसका निकाला जाता है,
ठीक है, तो किसका निकाला जाता है, किसी व्यक्ति का तो निकाला जाएगा, तो यहाँ पे सरकार का निकाला जाता है, जीडीपी सरकार प्रिपेयर करती है, तो उसमें पता चलता है कि उसने कितना कमाया, कमाने का सोर्स आपको बताइए। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, गवर्नमेंट के आय के स्रोत क्या हैं, ठीक है ना, क्या सोर्स हैं उनके इनकम के, तो यही है जो टैक्सीज हैं वो लेते हैं, ठीक है, तो और जो वो मतलब आपके मैंने बताया था सो सार्वजनिक संपत्तियाँ होती हैं उनसे जो उन्हें मिलता है, आय मिलती है ना, जैसे आपने बताया आप कुतुब मीनार देखने गए, वहाँ टिकट पड़ रही है, सार्वजनिक संपत्ति है, वो सभी जाके देख सकते हैं, तो टिकट के पैसे कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं, तो ये सब ना गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हीं को आपके डेवलपमेंट में लगा देती है, मेट्रो बन रही है जगह जगह आप देख रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये सारा पैसा आप लोगों का ही है, पब्लिक का ही पैसा है, ठीक है, इसी पैसे को घुमाते रहते हैं घुमाते रहते हैं घुमाते रहते। एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, कभी भी गवर्नमेंट जो पैसा लगाती है तो उसमें आप उसको रुपीज़ में आप काउंट नहीं करोगे, वो डॉलर्स में काउंट किया जाता है। आपने सुना होगा ना कि मोदी जी ने $2,000 का ये प्रोजेक्ट साइन किया, 405 करोड़ का ये प्रोजेक्ट साइन किया, तो डॉलर्स में बात होती है, ठीक है ना, ये आपको और याद रखना है यहाँ पे। अब ये देखिए उसके कुछ फॉर्मूले हैं, मैंने आपको बताए बहुत सारे हैं, जो आपको इजी लगे आप वही कर लीजिएगा, एक दो पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे। यहाँ पे आप समझ पा रहे हो ना राजकीय कोष कैसे निकाल जाता है, कुल व्यय मतलब कितना आपने खर्च किया और कितना आपने प्राप्त किया उसको माइनस कर दो, लेकिन उधार को काउंट नहीं करना है, ठीक है ना, प्राप्त मीन्स आपने अपने लिए मतलब जो आपके मैंने आपको अभी बताया था ना सोर्सेस उनसे आपने कितना प्राप्त किया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखिए फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट क्या होंगे, 3 कंपोनेंट है घटक, मैंने अभी आपको समझ आ गया ऊपर का तो सारा ये भी बता पाओगे आप, तो इसके 3 ही घटक हैं, गवर्नमेंट रेसिप्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट, ठीक है, मतलब सरकार की प्राप्तियाँ, रिसिप्ट मीन्स जो उसने धन प्राप्त किया है, कितना खर्च किया है, मैंने आपको अभी सारा बताया था ना एग्जांपल ज़्यादा फ्लाईओवर ये उसमें लगाते हैं तो उसमें वही पैसा कितना खर्च किया, और उसे जो सार्वजनिक ऋण था वो कितना मिला, ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है। इनके बारे में देखिए कभी कभी फ्रेंड्स ये भी आ जाता है कि गवर्नमेंट रिसिप्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बताइए, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, तो मैं कह रही क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल के आते हैं कई बार, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, केंद्रीय समस्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस, तो इसको एग्जांपल से बताना है, मतलब क्या उत्पादन करें, और इसको आप बताओगे तो आपको पहला क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी, देखो यहाँ पे पर्टिकुलर पूछा है हाउ टू प्रोड्यूस, तो आपको हाउ टू प्रोड्यूस वाला पॉइंट ही बताना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारी समस्याएं बता रही हूँ, क्योंकि कई बार ना सारी पूछ ली जाती हैं कि टोटल कितनी समस्याएं हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ 3 फैक्टर्स हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स में इकोनॉमिक जो आपके फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से, 3 हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, तो ये तीनों मैं आपको बताऊंगी, तो आपसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हाउ टू प्रोड्यूस वाला पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, तो आपको हाउ टू प्रोड्यूस वाला एक्सप्लेन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स व्हाट टू प्रोड्यूस में आप समझ ही रहे होंगे क्या उत्पादन करें, एक बड़ी समस्या है भाई, उत्पादन करें तो करें, क्या उत्पादन करें, जो उपभोक्ता आपका कंज्यूमर है उसके लिए क्या अच्छा है, वीट राइस क्लोथ ये कितना मतलब कैसे उत्पादन मतलब क्या इसमें से क्या क्या उत्पादन करें सॉरी, ठीक है, तो देखिए उत्पादन 2 प्रकार का होता है आपका, एक गुड्स और एक आपकी सर्विसेज, है ना, अब इसमें क्या होता है कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो उनको आवश्यकता होती है, कंज्यूमर उपभोक्ता ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे, तो इसी तरह से फ्रेंड्स कुछ मतलब कैपिटल गुड्स होते हैं जिनमें आपकी मशीन से टूल्स आ जाते हैं, बाकी अगर बात सर्विसेज की हो तो सर्विसेज भी आपको पता ही है जो आप प्राप्त करते हैं सरकार की तरफ से, तो फ्रेंड्स अच्छा इसमें से एक क्वेश्चन आपका निकल के आ सकता है कैपिटल गुड्स और आपका कंज्यूमर गुड्स में डिफरेंस, तो आप आपको क्लियर हो ही गया होगा। एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, अगर आपका अर्थशास्त्र डिसाइड करता है कि मतलब एक गिवन पीरियड में निश्चित समय में और मतलब कम रिसोर्सेज को यूज़ करके लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके राइस और वीट को प्रोड्यूस करना है, तो आप क्या करोगे उसमें, आपको क्या करना होगा उसमें मशीन्स का प्रयोग कम करना होगा, ठीक है ना, तो ये है। अब है हाउ टू प्रोड्यूस, अब प्रोड्यूस करें तो कैसे करें, कौन सी टेक्निक यूज़ करें, हाथ से प्रोड्यूस करें या मशीनों का प्रयोग करें, तो मैं आपको बता दूं जो हाथ से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें देखो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है और वो कॉस्टली भी होते हैं, ठीक है, इसके साथ ही जो मशीन से बनते हैं वो कम टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मतलब आप बना सकते हो और इसलिए उनकी कीमत भी सस्ती होती है और वो ज़्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आपको कौन सा कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करें,
तो वस्तु और सेवाओं के वितरण की समस्या कह लो या आय की समस्या कह लो, यह भी एक हमारे सामने बिग समस्या सामने आती है, ठीक है ना। तो इसके भी दो एस्पेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है आपका पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आपका जो इसे हम कहते हैं मतलब व्यक्तिगत, और दूसरा होता है हमारा एस्पेक्ट रिलेटेड मतलब फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, कार्यात्मक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों को ध्यान में रखकर हमें जो वितरण है वो किया जाता है। बाकी हिंदी वाले बच्चे देख लीजिएगा क्या उत्पादन करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझा चुकी हूँ मैं अच्छे से, तो आप देख लीजिएगा सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको एक बार में पढ़ के ही समझ आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, और कई बार पूछा गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और मिल सकता भी है। तो हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है, और ये क्या कहता है, ये किसने दिया, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो ये आपका दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, तो आपको याद रखना है इसने ये नियम दिया था जो कहता है कि जैसे जैसे लोगों की वस्तु या सेवाओं के अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं, प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाला मूल्य जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। मतलब जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ यूज़ करने लग जाते हो तो धीरे धीरे उसकी उपयोगिता में कमी आ जाती है। देखो आप होते नहीं है बोर हो गए एक ही चीज़ खा खा के, तो आपको भी तो कुछ अलग चाहिए, है ना। तो इसी तरह से ये होता है हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, समझ में आ गया। मतलब ये भी कह सकते हैं खपत बढ़ने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, क्लियर है। आप लक्स साबुन बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हो, अब आपको बोर हो गए हो तो आप चेंज चाहोगे, तो आप लाइफ बॉय यूज़ करने लग गए हो, तो जो एक मतलब आपने जो इकाई यूज़ करी उसकी बहुत सारी इकाइयाँ यूज़ करी, उससे क्या हुआ, प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाला जो मूल्य है वो आप मतलब क्या करोगे, जो उपयोगिता है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप सीमित उपयोग करने लग जाओगे उस चीज़ का, क्लियर है। अच्छा इसके साथ साथ फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ अपने, प्लीज़ आप माइंड में रखिएगा और उनको प्रिपेयर करके भी चले जाइएगा। बहुत इजी लैंग्वेज थी और इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। आपसे पूछ लिया जाता है कि उपभोक्ता सेवा और उपभोक्ता सेवा और उत्पादक सेवा में अंतर बताइए, मतलब कंज्यूमर सर्विस और प्रोड्यूसर सर्विस में अंतर बताइए। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। भूमि उत्पादकता मतलब लैंड प्रोडक्टिविटी क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। एक क्वेश्चन आ जाता है कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिक उपाय बताइए, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप मेजर यूज़ करोगे, ठीक है ठीक है। और इसके साथ साथ आर्थिक समृद्धि के जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव क्या है, एक्सप्लेन कीजिए, मतलब एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये आपको पढ़ के जाना है। अच्छा डिमांड क्या कहते हैं, जो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है एंड इंक्रीज डिमांड, देखो इसमें आपको अंतर पूछा जा सकता है कि मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि में भेद बताइए, है ना। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इनको पढ़ के जरूर जाना चाहिए। अच्छा उत्पादन संभावना वक्र इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, इसको डिफाइन कीजिए, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और इसकी दो विशेषताएं भी पढ़ के जाइएगा, प्रॉपर्टीज भी पढ़ के जाइएगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था निकालने के लिए, उसमें जो NNP वाला बताया था मैंने, वो निकालना आपको आना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ये वाला क्वेश्चन। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ, दो फैक्टर आपसे पूछे जा सकते हैं दैट कॉज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मतलब जिनसे मांग वक्र जो है वो खिसकती है, वो दो कारक बताइए। इसके साथ साथ ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ अ कम्युनिटी ऑन इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब एक वस्तु की पूर्ति अधिक का उसकी संतुलन के कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई वस्तु यूज़ हो रही है तो संतुलन कीमत पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, आई होप आपको काफ़ी स्ट्रेस आपका कम हुआ होगा और वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका पेपर भी अच्छा चले जाए, ठीक है ना, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपकी तैयारी अपनी करती रहिएगा, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, इसे मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड आई विश आज हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उन्हीं में से आप से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएं एग्जाम में, आई होप उन्हीं में से क्वेश्चन आए, बोलने का मतलब ये है। तो चलिए फिर, और अपने प्रिपरेशन के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन मत होने देना, क्योंकि वही आपको क्या करता है, हॉपलेस कर देता है और आपका आता आता एग्ज़ाम भी आप छोड़ के आ जाते हो।
तो आपको ये गलती नहीं करनी है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के दे आना है, क्योंकि आपको सब कुछ आता है, यू नो एवरीथिंग। आप बड़े हो गए हो, आप सब समझते हो, क्वेश्चन पढ़ के दो बार पढ़ा करो, आपको समझ आ जाएगा उसमें लिखना क्या है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।